हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर हमने गोभी ले लिए हैं, आधा किलो के आसपास। इन्हें अच्छी तरह से धो के काट के साफ करके रख लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटे हैं। इसमें हम डाल देंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कम दूध डालेंगे, जैसे 4-5 चम्मच दूध डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मलाई भी डाल सकते हैं। और इन्हें अच्छी तरह से एक पेस्ट तैयार कर लेंगे ग्राइंड करके। तो देखिए, हमने इसका एक पेस्ट बना लिए हैं, एकदम बिल्कुल स्मूथ क्रीमी जैसी है, एकदम क्रीम जैसे पेस्ट बना लिए थे। कोई इसमें लम्स वगैरह दाने दुने नहीं है। गोभी एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से दूध के साथ बन चुके हैं। अब इसके एक बॉल में निकाल लेंगे सारे को। तो सारे एक बॉल में निकाल लेंगे और इसमें हम इनको एक साइड में रखते हैं। और यहाँ पर हम इनके मसाले बनाएंगे। यहाँ पर हमने 7-8 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 2 हरी मिर्च ले ली हैं, 2 अदरक के टुकड़े ले लेंगे और थोड़ी सी धनिया के पत्ते ले लेंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं ग्राइंड में, या आप इसे बारीक चॉप कर सकते हैं। लेकिन हमें जो हैंड चॉपर है इसमें डाल के चॉप करेंगे और आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने इनको काफ़ी बारीक चॉप कर लिए हैं। और अब इसमें हम जो गोभी का पेस्ट बनाए थे उनको थोड़ा सा मिला लेंगे। देखते हैं इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह तो नहीं है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड हुआ था। अब इसमें डालते हैं मसाले। मसालों में हमने 2 लाल मिर्च थे उनको बारीक काट लिए हैं। आपके पास ग्रीन है तो आप ग्रीन भी डाल सकते हैं। इसमें हम आधा गाजर को भी कद्दूकस करके डाल लिए थे। और इसमें नमक डाल देंगे, जो हम ग्राइंड किए थे उनको 2 चम्मच डालेंगे। आप चाहे तो पूरा डाल सकते हैं, या कम डालिए, या स्किप कर दीजिए, आपकी मर्जी है। इनको डालने के बाद हम इसमें एक छोटी सी कटोरी थी उसे हमने चावल का आटा डाले। आप यहाँ गेहूं का भी आटा डाल सकते हैं या बेसन डाल सकते हैं, जो आपके पास है आप उससे डालिए। बेसन से भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन हमने यहाँ पर चावल के आटे डाले हैं। और उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच पानी डाल दिए, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सूखा लग रहा था ये पेस्ट। तो यहाँ पर 2 चम्मच पानी डाल के और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, हमें ऐसे ही बैटर चाहिए, तो बिल्कुल तैयार है। अब इन्हें रखते हैं एक साइड में। अब ज़्यादा नहीं मिलाए, कोई इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाले हैं। और एक थाली में हम तेल लगा लिए थे, उनमें हम सारे जो बनाए थे पेस्ट इनको सारे थालियों में डाल लेंगे और पूरे थाली में अच्छी तरह से फैला लेंगे। आप इसको किसी प्लेट में बना सकते हैं, ट्रे में बना सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे उस तरह से बनाइए। हमने नॉर्मली थाली में सारे को फैला लिए हैं और चम्मच से एक बराबर कर देंगे, ताकि कहीं ऊंचा नीवा ना रहे, एकदम बिल्कुल बराबर कर देंगे चारों तरफ से। और देखिए, यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से बराबर हो चुकी है। अब हम चलेंगे गैस की तरफ। पहले से हमने इसमें एक कढ़ाई में 2 कप पानी डाले थे, एक स्टैंड रख दिए थे, उसके ऊपर थाली रख के और ढक देंगे। कम से कम इसे 10 से 15 मिनट के आसपास इन्हें ऐसे रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर दिए। यहाँ पर मसाले हैं, 3 प्याज, 1 टमाटर, लहसुन की कली आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, ये 10 मिनट हो गए हैं और आपको दिखाते हैं कि अच्छी तरह से पक चुकी है जो चावल थे स्टीम। अब इन्हें रखेंगे ठंडे होने के लिए एक साइड में, फिर हम इनकी तैयारी करते हैं। तो आप हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिए थे, आधा चम्मच हम डाले हैं। और उसके बाद आप जीरा का तड़का लगा सकते हैं, राई का लगा सकते हैं, हमने मेथी के तड़के लगाए थे। और जो मसाले बनाए थे प्याज हरी मिर्च और लहसुन का, उनको डाल के और 2 मिनट तक भून लेंगे प्याज को। तो देखिए, प्याज अच्छी तरह से भून चुकी है। यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च पहले भी यूज की है, मिर्च उसी हिसाब से डालेंगे। और मसालों को भी प्याज के साथ 1 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ पर हमने एक टमाटर को काफ़ी बारीक चॉप करके रखे थे, उनको भी डाल लेंगे इसमें और इन्हें भी भूनेंगे। और मसाले जल्दी से पक जाएं, इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो नमक भी वही है कि पहले भी हम नमक डाले हैं, तो उसी हिसाब से डालेंगे। और यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए
टमाटर को चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाले भून जाते। तो देखिए तेल छोड़ दिए, अच्छी तरह से मसाले भून चुके हैं। यहाँ पर हम डाल रहे हैं घर की बनी हुई 1 चम्मच मलाई। मलाई से जो ग्रेवी बनेगी ना बहुत टेस्टी बनेगी, क्योंकि दूध भी हम गोभी के साथ ग्राइंड किए थे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मलाई डाल रहे हैं 1 चम्मच, और मलाई को भी मसालों के साथ 1 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। तो देखिए तेल अलग हो गया है, और जो हम चॉप किए थे ना वो थोड़ा सा बचा लिए थे। तो अब डालेंगे, अब धनिया पत्ता बाद में नहीं डालेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पर हम अभी डाल दे रहे हैं। इन्हें भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब ये सारे मसाले भून चुके हैं, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम यहाँ पर 2 कप के आसपास डाल दिए हैं, ग्रेवी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन्हें ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ग्रेवी पक जाए और मसाले गाढ़े हो जाएं। तब तक हम, ये ठंडा हो गया है, इसको हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, हम मीडियम ही करेंगे। तो इन्हें अच्छी तरह से काट लेंगे सारे को, और इन्हें निकाल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने सारे इसे काट लिए हैं, और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बन चुकी है, आपको दिखा रहे हैं। तो सारे हमने ऐसी चीज़ें निकाल ली हैं, अब देखते हैं कि ग्रेवी का क्या हाल है। तो देखिए ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है, और इतने अच्छी तरह से उबल रहे हैं। तो अब इन्हें हम चला लेंगे। मसाले थोड़ी गाढ़े हुए हैं, लेकिन अभी हम इसमें जो बनाए थे उनको अच्छी तरह से सारे इसमें डाल देंगे धीरे धीरे। आपने इस तरह से सब्ज़ी बनाएंगे ना तो पनीर वगैरह भी खाना भूल जाएंगे। बेसन की सब्ज़ी भी ऐसी बनती है, लेकिन काफ़ी टेस्टी बनी थी। हमने ऊपर से गरम मसाले और थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे, और इन्हें ढक देंगे 1 मिनट के लिए पकने के लिए, और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। जब ठंडी हो जाएगी हल्की, फिर हम सर्व करेंगे। तो देखिए गैस का फ्लेम हम बंद कर दिए थे, थोड़ी सब्ज़ी हल्की सी ठंडी हो चुकी है, फिर हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। तो देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो चुकी है, सब्ज़ी का कलर देखिए। तो यहाँ पर हम सर्व कर देंगे, बिल्कुल नॉर्मल तेल मसालों से हम सब्ज़ी बनाए थे, और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। आप इसे रोटियों के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, परोठियों के साथ खाइए, बहुत टेस्टी बनी। अगर गोभी की सब्ज़ी ऐसे खा खा के अगर बोर हो गए हैं, तो एक बार इस तरह से गोभी की सब्ज़ी बना के खाइए, देखिएगा बहुत टेस्टी बनेगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए, देखिए बिल्कुल अलग अलग पीस हैं। जैसे हमने इसमें चावल के आटे डाले थे, तो चावल का आटा ग्रेवी में मेल्ट नहीं हुआ, और बिल्कुल पीस पीस ही है। तो इस तरह से हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब